1971 में मुल्क छॾींदड़ बंगालनि जूं मिल्कियतूं बंगालनि खे ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बंगालनि जी ज़मीननि जे विकिरे ते पाबंदी लागू कई वई आहे। 1971 में बंगालनि तर्फ़ां छॾियल मिल्कियतुनि बाबति सिफ़ारिशूं तयारु करण जे लाइ कमेटी बि जोड़ी वई आहे, जंहिंजो वफ़ाक़ी वज़ीर फ़रोग नसीम जी सदारत हेठि इजलास बि थियो आहे। इन कमेटी बंगालनि तर्फ़ां छॾियल मिल्कियतुनि जा तफ़सील तलब कंदे चयो आहे त ॿुधायो वञे त बंगालनि केतिरियूं मिल्कियतूं छॾियूं, उहे मिल्कियतूं कंहिंजूं हुयूं ऐं कहिड़े कानून तहत उहे मिल्कियतूं विकिरो थियूं आहिनि। पाकिस्तान छॾींदड़ बंगालनि जा घर, ज़रई ज़मीन, सोन, इनामी बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स मुंजमिद करण जी हिदायत कई वई आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, साझावंद आहिनि, पोलिटिकल पार्टीज़ जा अॻवान आहिनि, उन्हनि खां मौक़िफ़ जेको आहे वठी अवां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं। हिन वक़्तु सीनियर कानूनदान ऐं आइनी माहिर ज़मीर घुमरो साहब असां टेलीफोन लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर घुमरो साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। महिरबानी, अवां वक़्तु ॾिनो। छा चवंदो अवां हुकूमत जो हीउ अनोखो ऐं फ़ैसिलो जेको आहे अजीब साम्हूं आयो आहे त 1971 में जेके बंगाली पाकिस्तान छॾे करे बंगाल हलाया विया, उन्हनि खे उन्हनि जूं छॾियल मिल्कियतूं हा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, छा चवंदो अवां हिन ते? आइन में केतिरी गुंजाइश आहे हिन महिल जी? 1971 में जेके पंहिंजो बंगाली प्रॉपर्टी पंहिंजो छॾे विया, उनखां पोइ 1973 में आइन आयो। 1973 जे आइन जे आर्टिकल 172 में इहो लिखियल आहे त एनी प्रॉपर्टी विच इज़ ओनरलेस इट बिलोंग्स टू द प्रोविंस वेयर इट इज़ सिचुएटेड। त जेका बि ओनरलेस प्रॉपर्टी आहे उहा जंहिं बि सूबे में आहे उहा उन सूबे जी मिल्कियत आहे, उहा भली मूवेबल प्रॉपर्टी हुजे या इमूवेबल प्रॉपर्टी हुजे। त हाणे जॾहिं आइन आयो 1973 में, उनखां पोइ वरी फेडरल गवर्नमेंट गैर आइनी तौर ते आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदे चयो त अबंडन जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे जेको आहे फेडरल गवर्नमेंट जूं हूंदियूं। बाबा, अबंडन प्रॉपर्टी बि त ओनरलेस प्रॉपर्टी आहे न, उहो त कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे त ओनरलेस प्रॉपर्टी जेका बि हूंदी उनजो जेकॾहिं ओनर हलियो थो वञे, पाकिस्तान में उनजो ओनर कोन्हे का, त उहा उन सूबे जी मिल्कियत आहे जंहिं सूबे में उहा प्रॉपर्टी आहे। त हिननि वरी नओं टर्म ईजाद कयो जेको उन्हनि जो सब्जेक्ट ई कोन्हे। इवन अबंडन प्रॉपर्टी बि त सूबे जी थींदी न, प्रॉपर्टी तव्हांजी कीअं थींदी जेका सूबे में आहे? त हीउ जेको आहे सो मुकमल तौर ते गैर क़ानूनी अमल आहे, गैर आइनी अमल आहे। ऐं जेका बि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खे हिन ते स्टैंड वठणु घुरिजे त इहे जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 172 तहत उहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि। ऐं प्रॉपर्टीज़ ते जेके बि सूबे में आहिनि उन ते फेडरल गवर्नमेंट जो को बि अख़्तियार कोन्हे, को का बि एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी कोन्हे। इवन फेडरल गवर्नमेंट जूं जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे लीज़ ते उन्हनि खे ॾिनल आहिनि, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जूं आहिनि, उहे उन्हनि लाइ पर्पज़ लाइ जंहिं लाइ फेडरल गवर्नमेंट उहे प्रॉपर्टीज़ वरितियूं आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो नोटिफिकेशन बि गैर क़ानूनी आहे ऐं अबंडन प्रॉपर्टीज़ वारो जेको हिननि राग ॻाल्हाए पियो आहे उहो बिल्कुलु जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 172 सां मुतसादिम आहे नुक़्तो जेको आहे उनजी निशानदेही कई त 1973 जो जेको आइन आयो उन आइन में जंहिं आर्टिकल जो अवां ज़िक्र कयो हिकु भेरो ॿीहर, उहो आइन जो आर्टिकल जेको आहे उनखे बि वाज़े कढियो, जंहिंमें इहो चए पियो आहे, उहो आर्टिकल चवे थो त जेकॾहिं मालिक जेको आहे प्रॉपर्टी जो उहो मौजूदु न आहे त पोइ उहा प्रॉपर्टी जेका आहे उहा सूबे जी मिल्कियत हूंदी आहे। हिकु त इहो, ॿियो इहो त अरिड़ी तरमीम खां पोइ सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी खे बि चैलेंज करण जो इहो मामिलो आहे, जेकॾहिं का मिल्कियत का ज़मीन हिन वक़्तु सिंध सूबे जे अंदरि आहे त उहा सूबे जी मिल्कियत आहे, उनखे वफ़ाक़ कीअं ॿिए कंहिं माण्हू जे हवाले करे सघे थो? उहो आइन जे आर्टिकल 172 तव्हां पढ़ंदव त उन में क्लियर लिखियलु आहे त एनी प्रॉपर्टी विच इज़ ओनरलेस बिलोंग्स टू अ प्रोविंस वेयर इट इज़ सिचुएटेड, वेरी क्लियर, ठीकु आहे न? आइन जे आर्टिकल 172 में अरिड़हीं तरमीम जे हिन में ॻाल्हि ई कोन्हे, अरिड़हीं तरमीम खां अॻ में बि उहा प्रॉपर्टी प्रोविंस थी आहे, ठीकु आहे न? त अरिड़हीं तरमीम खां अॻ में बि त आटनामी हुई न, ईअं न आहे त अरिड़हीं तरमीम खां अॻ में आटनामी हुई त अरिड़हीं तरमीम खां ई 1973 खां वठी जेका प्रॉपर्टी ओनरलेस आहे कंहिं सूबे में उहा जेको आहे सो उन प्रोविंस जी आहे। हाणे हिननि वरी नओं टर्म ईजाद कयो अबंडन, बाबा ओनरलेस प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में तव्हां ॾिनी आहे, हाणे वरी तव्हां अबंडन प्रॉपर्टी, उहा अबंडन प्रॉपर्टी हूंदी जेका ओनरलेस हूंदी, इवन अबंडन प्रॉपर्टी बि जेका हूंदी उहा प्रोविंस जी हूंदी तव्हांजी कीअं थी सघे थी? फेडरल गवर्नमेंट जी अंदरि वाटल आहे, फेडरल गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी त सब्जेक्ट ई कोन्हे न, सब्जेक्ट जेको प्रॉपर्टी आहे लैंड आहे उहो त प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे, फेडरल गवर्नमेंट जो उहो सब्जेक्ट ई कोन्हे। त तव्हां अबंडन प्रॉपर्टीज़ जेके आहिनि उहे कीअं तव्हां हथु कंदव? अंडर वाटल आहे, अंडर वाट अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तव्हांजो उहो सब्जेक्ट ई कोन्हे। हीउ आइन जे आर्टिकल 172 जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, भली उन्हनि जो जेको कानून ठहियलु आहे 1975 वारो अबंडन प्रॉपर्टीज़ एक्ट उहो बि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे, उहो बि आइन सां मुतसादिम। अच्छा ज़मीर घुमरो साहब, पहिरियां त हीउ जेको मामिलो साम्हूं आयो आहे इनखे कवर कयो आहे इस्लामाबाद मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर एम बी सुमरो खां हीउ समूरो मामिलो जेको आहे
वो समझू था उन भी गालबोल जो सिलसिलो जारी रखू था। एम बी अपडेट्स वी जी कमेटी है उनको अज इजलास भी थो है फरोग नसीम की सदारत हेठ इजलास पारा ये फैसला जो सामू आया तो जमीनू जो बंगाली छे व्या उहे हाणे बंगालनि खे वापसि कयूं वेंदियूं। न रुगो ज़मीनूं पर सोन ज़ेवर सर्टिफिकेट्स जेके आहिनि सेविंग्स ऐं ॿिया जेके मिल्कियतूं आहिनि उहे उन्हनि खे ॾिनी वेंदियूं। इजलास बाबति तफ़सील छा आहिनि, कमेटीअ जो मैंडेट जेको आहे उहो केतिरो आहे, कहिड़ो खातो जेको आहे उहो इन समूरे मामले जी निगरानी कंदो? जी मां इजलास जा तफ़सील त ॾियणु चाहियां थो ॾियां थो पर आऊं पंहिंजो अगरि तव्हां इजाज़त ॾियो त मां बि ज़मीर साहब खां हिकु आइनी ऐं कानूनी तौर ते जेको इन मामले जे करे हिकिड़ा मसाला पैदा थियनि था त उनजी आइनी ऐं कानूनी सूरत हाल बाबति हिकु सवाल करणु थो चाहियां। असल में हीउ कल्ह इजलास थियो आहे, काबीना पारां हिकु कमेटी क़ाइमु कई वई आहे, उहा फरूक नसीम साहब जी सदारत में क़ाइमु कई वई आहे। उन कमेटी जो इजलास थियो आहे, पहिरियों इजलास कल्ह थियो आहे। उन इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 1971 में जेकी पाकिस्तान छॾे बंग्लादेश विया हुआ बंगाली, उन्हनि जूं जेके छॾियल मिल्कतूं आहिनि, वरी 71 में ई जेके बंग्लादेश छॾे पाकिस्तान बंगाली आया हुआ उन्हनि खे इहे मिल्कतूं ॾिनियूं वेंदियूं। हाणे इन जे लाइ इन कमेटी या हिदायत कई आहे एबिडेंट प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन हिकिड़ो इदारो आहे जेके इन प्रॉपर्टीज़ खे ॾिसंदो आहे, उनखे हिदायत कई अथई त इन्हनि प्रॉपर्टीज़ खे मंझमंद कयो वञे। उन्हनि प्रॉपर्टीज़ में उन्हनि वाज़े तौर ते लिखियो आहे बयान में त पोइ उहा ज़रई ज़मीन हुजे, प्लाट हुजे, घर हुजे, सोन हुजे या सेविंग सर्टिफिकेट हुजनि, मुतहरिक या गैर मुतहरिक जेका बि प्रॉपर्टी आहे उनखे मंझमंद कयो वञे, उनखे सेल आउट न कयो वञे। अगरि इन हिदायत खां पोइ कंहिं सेल आउट कयो उनजे ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई थींदी। न रुगो एतिरो पर इन कमेटी बिडन प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन खां ईंदड़ इजलास में 1971 में बंगालिन पारां छॾियल प्रॉपर्टीज़ जा समूरा तफ़सील तलब कया विया करे वरिता आहिनि ऐं उहा बि हिदायत कई आहे बिडन प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन खे त 71 खां वठी हिन वक़्त ताईं जेके प्रॉपर्टीज़ सेल कयूं वयूं आहिनि उन्हनि जा तफ़सील बि ॿुधाया वञनि ऐं उन्हनि जा तफ़सील इन रीत ॿुधाया वञनि त उहा प्रॉपर्टी कंहिं छॾी हुई ऐं उहा प्रॉपर्टी कंहिंखे ॾिनी वई ऐं उहा कहिड़े कानून तहत ॾिनी वई, इहे तफ़सील तलब कया विया आहिनि। ऐं मां ज़मीर साहब खां जेको सवाल करणु थो चाहियां त जेके 1971 में हितां पाकिस्तान छॾे बंगाली विया ऐं वरी उतां वरी जेके बंग्लादेश मां पाकिस्तान में रहण जे लाइ बंगाली आया उन्हनि खे हिन वक़्त ताईं सुञाणप कार्ड जारी करणु छो त उहे सभु सिंध में अक्सर 95% सिंध में रहनि था त उन्हनि खे सुञाणप कार्ड ठाहिण जे ख़िलाफ़ बि सिंध में एहतजाज थींदा रहिया आहिनि। अगरि इन्हनि खे प्रॉपर्टी जेका बंगालिन पारां छॾियल प्रॉपर्टी हिते सिंध में रहंदड़ बंगालिन खे ॾिनी वेंदी त छा उहे कानूनी शहरी न थी वेंदा? छा इन तरीक़े सां बंगालिन खे मुस्तक़िल ऐं कानूनी शहरी करार ॾियण जो रस्तो त न अख़्तियार कयो पियो वञे? हिकु त मुंहिंजो इहो सवालु आहे ऐं ॿियो छा इहो इन मामले ते सिंध हुकूमत खे एतिरो गिफ़लत जो मुज़ाहिरो करणु खपे छो त हीउ जून में काबीना फ़ैसिलो कयो आहे इन कमेटी ठाहिण जो ऐं उनखां पोइ 29 जुलाई ते हीअ कमेटी ठही आहे, उनजो गज़ेट नोटिफिकेशन थियो आहे। गज़ेट नोटिफिकेशन त हर सूबाई हुकूमत वटि वेंदो आहे त सिंध हुकूमत हिन वक़्त ताईं इन ते जेका ख़ामोशी अख़्तियार कई आहे त मां ज़मीर साहब खां पुछण थो चाहियां त इन जा असर छा थींदा, उन ख़ामोशी जो सबबु छा आहे? जी बिल्कुलु, मां एग्री कयां थो तव्हां सां। जेको पहिरियों पार्ट आहे क्वेश्चन जो त 1971 में जेके बंगाली पंहिंजी प्रॉपर्टी छॾे विया उनखां पोइ 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आयो ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में अॻिलनि कॉन्स्टिट्यूशन में बि प्रॉपर्टी ऐं लैंड जो सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो। 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में बि लैंड ऐं प्रॉपर्टी जेको आहे उहो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे ऐं आर्टिकल 172 में इहो क्लियरली लिखियो वियो त जेका बि ओनरलेस प्रॉपर्टी हूंदी जंहिं बि सूबे में उहा उन सूबे जी मिल्कियत आहे, भली उहा मूवेबल प्रॉपर्टी हुजे या इमूवेबल हुजे। त हाणे जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे त ओनरलेस प्रॉपर्टी जेको आहे सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी मिल्कियत आहे, त उहा कहिड़े हिसाब सां प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी जेको आहे सो उन्हनि बंगालनि खे ॾिनी वेंदी, नंबर वन। ऐं नंबर टू त उहा अबंडेंट प्रॉपर्टी उन जा तफ़सील प्रोविंशियल गवर्नमेंट वटि आहिनि,
उहे तफ़सील छा प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिननि खे पंहिंजे सब्जेक्ट जा तफ़सील ॾियण जी पाबंद आहे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाबंद कोन्हे अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐं हिननि जेको अबंडेंट प्रॉपर्टीज़ एक्ट ठाहियो आहे उहो गैर क़ानूनी आहे, छो त आर्टिकल 172 में क्लियरली लिखियलु आहे त उन लेस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द प्रोविंस वेयर इट इज़ सिचुएटेड. त इहे सभु जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि इहे आइन सां तसादुम में आहिनि, ऐं मां नथो सम्झां सिंध गवर्नमेंट छो न हिन ते मुतरक थी आहे. पर सिंध गवर्नमेंट खे न त अबंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हुननि खे तफ़सील ॾियणु घुरिजे ऐं हिननि खे क्लियरली लेटर लिखणु घुरिजे त इहे अबंडेंट प्रॉपर्टीज़ जेके आहिनि इहे कॉन्स्टिट्यूशन तहत ओनरलेस प्रॉपर्टीज़ आहिनि ऐं अंडर 172 दे बिलोंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ऐं सिंध गवर्नमेंट खे सिंध जे माण्हुनि खे तफ़सील ॿुधाइणु घुरिजे त हीअ अबंडेंट प्रॉपर्टीज़ आहिनि, हिन जो हीअं डिस्पोज़ल थियो आहे या उहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेको आहे सो टेक ओवर करे थी, ॿिए खे उहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नथी ॾेई सघे. अच्छा ज़मीर ख़बर साहब, हीउ जेको मामिलो साम्हूं आयो हाणे अवां बि ॾिठो आहे त गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां वठी सिंध में धारनि जी आबादकारी जेका आहे उन जे ख़िलाफ़ु मुहिम भरपूर नमूने सां हलंदड़ आहे ऐं इन मामले ते शदीद तहफ़ुज़ात आहिनि सिंध ऐं सिंध वासियुनि खे. बंगालिनि खे सुञाणप कार्ड्स ठाहे ॾियण जो जेको मामिलो आहे उन जी बि सिंध में शदीद मज़ामत कई वई ऐं सख़्तु रदअमल बि साम्हूं आयो. हिन मामले खे कीअं पिया ॾिसो? मतिलबु इन सां ई ॻंढे सघिजे थो त जेकॾहिं अहिड़ो मामिलो थोरो घणो अॻिते वधियो बि ऐं सिंध हुकूमत इन मामले ते पंहिंजो मौक़िफ़ न ॾिनो त पोइ छा बंगालिनि खे पहिरियां सुञाणप कार्ड्स ठाहे ॾिना वेंदा, उन खां पोइ इहे प्रॉपर्टी जेके आहिनि उहे उन्हनि जे हवाले करण जी का ॻाल्हि ॿोल थींदी? हूंदो त इन ते जेको आहे सो को बि अहिड़ो मौक़िफ़ ॾे जेको सूबे जे माण्हुनि खे नाराज़ करे, मां नथो सम्झां सिंध हुकूमत अहिड़ो को मौक़िफ़ ॾींदी. पर जेका कॉन्स्टिट्यूशन जी पोज़ीशन आहे या लॉ जी पोज़ीशन आहे उहा क्लियर आहे त इन ते जेको आहे सो ॿियो सिंध जे माण्हुनि में जेको आहे सो धारी आबादकारी ते तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि. त जेके बि हिते धारिया पोलिटिकल या ग्रुप्स आहिनि उहे जेको आहे सो पंहिंजे आबादी खे वधाए पोइ पोलिटिकल राइट्स क्लेम कंदा हिते. जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त सिंध असेंबलीअ में कुझु मेंबर जेके चूंडजी आया आहिनि उन ते माण्हुनि में वॾी रिजेंटमेंट आहे त दे आर डिमांडिंग पोलिटिकल राइट्स. पोलिटिकल राइट्स बि डिमांड कनि पर क्वेश्चन इहो आहे त उहे कॉन्फ्लिक्ट में आहिनि सूबे जे मफ़ादनि सां ऐं उहे हितां खां चूंडजी वञनि था, हितां चुनावी कार्ड वठनि था. त मुंहिंजे ख़्याल में उहो सूबे जो इहो शुरूअ खां वठी वॾो मसलो रहियो आहे राइट फ्रॉम 1948 जेका आबादगारी थी आहे हिते उन खां पोइ जेको आहे कंटिन्यूसली जेको आहे इहो किलो हलंदो रहियो आहे विद कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. त मुंहिंजे ख़्याल में इन ते सूबे जे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ आहिनि ऐं इहो इशू उन सां ई कनेक्टेड आहे धारी आबादगारी सां. उनजे करे उनखे उन ते सिंध गवर्नमेंट खे बिल्कुलु वाज़े मौक़ो वठणु घुरिजे त हीअ प्रॉपर्टी तव्हांजी न आहिनि, हिकिड़ो त फेडरल गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी न आहिनि, ॿियो असां तफ़सील कोन ॾींदासीं ऐं नंबर टियों ते बिलोंग्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा अव्हांजे आर्टिकल जो ज़िक्र कयो, आख़िरी सवाल अव्हां खां ज़मीर घुमरो साहब, आर्टिकल 172 जंहिंमें इहो वाज़े आहे त जेकॾहिं को ओनर ज़ाहिर नाहे या क्लेम नथो करे त पोइ उहा समूरी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हुजे ऐं मूवेबल उहा सूबे जी मिल्कियत हूंदी आहे, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सिंध वासियुनि जूं ज़रई ज़मीनूं या ॿियो माल मता सिंध वासियुनि जी इजाज़त खां सवाइ त धारनि खे या बंगालनि खे न ॾिनो वेंदो न. इन मामले में जेकॾहिं अदालत सां राब्तो कयो वञे त शायदि इहो मामिलो एतिरी अहमियत वठी न सघंदो. अदालतुनि जे बारे में जेको आहे सिंध जे माण्हुनि जा पंहिंजा सवाल आहिनि त उन वञण बि घुरिजे या न वञणु घुरिजे तव्हां ॾिठो हूंदो मुंहिंजो इशारो आहे. पर क्वेश्चन इहो आहे, इहो त एडमिनिस्ट्रेटिव मामिलो आहे न, इहो सिंध गवर्नमेंट हिन खे जेको आहे रिज़ॉल्व करे सघे थी. जे मेटनि जो मामिलो उहो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिज़ॉल्व थियो न, असीं हर मामले खे जेकॾहिं कोर्ट में खणी वेंदासीं जेको एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आहे ऐं जंहिंखे जंहिंते सिंध जा माण्हू जेको आहे पोलिटिकल हिकिड़ो मोकिल सां कंदा, उन में ज़रूरी न आहे तव्हां हर मामले ते अदालतुनि में वञो. पर हीउ लीगल इशू आहे जेको सिंध गवर्नमेंट पहिरियों मौक़ो थो वठे न, त हीउ ओनरलेस प्रॉपर्टी ब्रांच टू प्रोविंस इहो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखियलु आहे. तव्हां कहिड़ो फॉर्म अबंडेंट प्रॉपर्टी जो वरी ॿियो आंदो वर्ड अबंडेंट प्रॉपर्टी ब्रांच टू प्रोविंस गवर्नमेंट, ओनरलेस प्रॉपर्टी ब्रांच टू गवर्नमेंट, अबंडेंट प्रॉपर्टी बि त ओनरलेस प्रॉपर्टी आहे न. त हीउ जेको आहे इहो कानूनी मसइलो अॻ में तय थियलु आहे, जेको तय थियल मसइलो आहे उन ते असां छो वञूं बार बार कोर्ट में? जेको तय थियल मसइलो न हुजे त उन ते वञे न माण्हू. हीउ त कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर आहे, उनखे सिंध हुकूमत मौक़ो वठंदी त बाबा हीउ जेको प्रॉपर्टीज़ आहिनि ओनर लेस हीअ त दे बिलोंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. हू आर यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तव्हां कीअं कमेटी ठाही आहे? मां इन ते त उन्हनि खे क्लियर मौक़ो वठी आहे, उन्हनि खे जेको आहे सो पोइ ते लिखणु घुरिजे. जंहिं ॿियनि मामलनि ते ॿेटनि मामलनि ते बि सिंध गवर्नमेंट जेको आहे मौक़ो वठी जेको आहे पंहिंजो लेटर विदड्रॉ कयो आहे, उन खां पोइ हुनखे चयो त असां न ॾींदासीं. इहे सिंपल इहो ई मामिलो. ठीकु आहे ज़मीर ख़बर साहब, एम बी सुमरो खां इहो मामिलो कुझु वधीक बि सम्झूं था. एम बी, इहा जेका कमेटी जुड़ी आहे इन पारां घणनि ॾींहंनि में इहे अंग अखर जेके आहिनि उहे कलेक्ट कया वेंदा ऐं इन हवाले सां सिंध हुकूमत सां को राब्तो कयो वियो आहे त सिंध में जेके प्रॉपर्टीज़ बंगाली छॾे विया हुआ उन्हनि जा तफ़सील वग़ैरह बि फराम कया वञनि वफ़ाक़ी हुकूमत खे या इन कमेटी खे?
29 जुलाई ते जो नोटिफिकेशन जारी थो इन कमेटी के क्याम जो उन कमेटी के क्याम के नोटिफिकेशन में वाजे तौर पर लिखल है इन कमेटी के एक महीने के अंदर अंदर वफाकी काबीना के समूरन कानून के सामू रखी अमली तौर से अमल जो सिफारिशू पेश कर कानून के वजीर कल इजलास में यो यो वक्त सर सिफारिशू पेश करुस। हाँ मसलो यो अबीडन प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन का ये सब तफसील वरता व्या सिंध हुकूमत जो इन कमेटी में न को निमाइंदो है न सिंधी गालाइंदड़ ही कोई मेंबर है। जेके दिलचस्प गाल है तो जेकी एम क्यू एम मुसलसिल बंगालिन के सुणप कार्ड डोमिसाइल ठाराण की हिमायत उन्हें कानूनी तरमीमी बिल आणींदी रही है मुतालबा कंदी रही है त इन कमेटी में चार मेंबर एम क्यू एम से ताल्लुक रखंदड़ शामिल कया व्या त इन कमेटी की इंटेंस वाजे तौर से है। पर सवाल मुझो यो है त सिंध हुकूमत इन हवाले से जका सिंध के मानून जो जो मैंडेट है उन्होंने वट कुछ मामल में सिंध हुकूमत सही नमूने से सिंध के मानून की नुमाइंदगी न पई करे जैसे जमीर घुमरे साहब बेटन वो मामलो उथारो माजरत से चवा तो सिंध हुकूमत इनमें किरदार तदें अदा कर जैसे असा इन मसले के मीडिया उथारो मामला सामू आया तो सिंध हुकूमत इन बेटन की एनओसी दई छी जका सिंध में एहतजाज गोड़ मानू बार निकता तो सिंध हुकूमत वो इजाजतनामो वापस वरतो मुसलसिल एहतजाज कंदा रहा जी। हाँ जमीर गुमर साहब चयो तो अबीडन प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन एक्ट जो यो एक्ट ही गैर आइनी है तो मुझो सवाल सिंध हुकूमत का यो है तो यो जडे एक्ट मंजूर थो तो सिंध हुकूमत छापई करे एक्ट मंजूर थियण का पो इन वक्त तई सिंध हुकूमत कयो छाए इन मामले ते भी माना जून में वफाकी काबीना ही कमेटी कायम करण की मंजूरी दिनी है वक्त तई सिंध हुकूमत जो को बाजाबता तौर से माना बयान रद अमल ना आयो आए यो भी पतो है त कुछ जे हर पो सिंध हुकूमत में वजीर आन या पो सिंध हुकूमत में अहम अगवान पीपुल्स पार्टी जहा लिखा वा जिनों कराची से ताल्लुक है भी ऐवान में भी यो मुतालबो कंदा रहा है तो बंगालिन के सुणप कार्ड मिलन खपन त हाँ इनते जो खामोशी उन खामोशी जहा खोड़ मतलब वी सकन था पर ही जो इशू छो तो कराची में हाँ सिंधी केतरे तादाद में आयो यो सभी के पतो है पर इं धारी आबादी के मुसलसिल मुख्तलिफ तरीक से आबाद किया वो सिंध जो शहरी डिक्लेयर किया उनके सब राइट्स दिना वा उनके बंगालिन जो प्रॉपर्टीज जे भी उनके हवाले करे उनके माली तौर से भी मुस्तकम कयो वेंदो तो जे सिंध जा जे असुल रहवासी उनकी गिरफ्त जे सूबे में खास तौर से पे घाटी वे शहर में अना कमजोर थी जाहिरी आ छो तो माना इनमें असा जी जो सिंध हुकूमत जो किरदार वो मौसर है पर अफसोस यो सिंध जनजा जे वफाकी हुकूमत से जुड़ियल मामला उनमें सिंध हुकूमत सवाए माना कदें कदें बयान दियण के बाकी मौसर तौर से पो किरदार अदा नी करे वो माना सिंध वद में वद गैस पैदा कदड़ सूबो आ पर असा के गैस इस्तेमाल करण जो पहरियों हक आईन में लिखल आ पर वो हक वठी देण में सिंध हुकूमत कामयाब नहीं थी। अवां जेको जिक्र कयो कराची शहर जो खास तौर ते कराची शहर जे कदीमी गोठन के साइड ते रखी जेकरे जिक्र कयूं सिंधी वसंदन जो खास तौर ते गुलिस्तान जोहर सचल गोठ भिटायाबाद या गुलशन हदीद पिपरी समेत बया जेके सिंधी वसंदियूं आहिनि उहे त हाणे कुझु सालनि में आबाद थियूं आहिनि। कराची जूं जेके पुराणियूं कदीमी वसंदियूं आहिनि लियाकताबाद आयशा मंज़िल नाज़माबाद नॉर्थ नाज़माबाद उहे एम क्यू एम पाकिस्तान जी अक्सरियत वारियूं जमातूं आहिनि। एम क्यू एम पाकिस्तान जो इन हवाले सां को मौक़िफ़ अचे पियो उहे पंहिंजियूं इहे प्रॉपर्टीज़ बंगालनि हवाले करणु पसंदि कंदा? जी जी एम क्यू एम ही जो कमेटी जो सरबराह है फारूक नसीम साहब वो लॉ मिनिस्टर है पर उनको ताल्लुक एम क्यू एम से है। इन कमेटी में एम क्यू एम जी कौमी असेंबली मेंबर किश्वर जेड़ा है कौमी असेंबली कराची में ही चूंडियल उसामा कादरी भी मेंबर है
त मुंहिंजी कल मीटिंग खां पोइ किश्वर ज़हरा सां ॻाल्हि ॿोल थी। उन्हनि चयो त बंगालनि जूं इहे प्रॉपर्टियूं आहिनि, उन्हनि जूं प्रॉपर्टियूं जेके विकिरो कयूं वयूं आहिनि उन्हनि जो बि असां तफ़सील घुरिया आहिनि, ऐं उन लॉ मिनिस्टर जो जेको ऑफिशियली बयान जारी कयो वियो आहे उनमें इहो वाज़े तौर ते लिखियो वियो आहे त इहे जेके 71 में बंगालनि पंहिंजो प्रॉपर्टीज़ छॾियूं आहिनि ऐं उहे उन्हनि ते जेको हक़ आहे उहो जेके बंग्लादेश मां पाकिस्तान लॾे आया हुआ उन्हनि जो हक़ आहे, त MQM खे त इन ते एतिराज़ नथो नज़र अचे ऐं न ई रुगो पंहिंजो MQM खे एतिराज़ नथो अचे पर MQM त मुसलसिल बंगालियुनि खे सुञाणप कार्ड खां वठी डोमिसाइल ॾियण जे मामले ते क़ौमी असेंबली में आवाज़ उथारींदी रही आहे, ॻाल्हियूं कंदी रही आहे, तरमीमी बिल पेश कंदी रही आहे त इहो इन्हनि खे सुञाणप कार्ड ऐं इन्हनि खे जेके ॿिया कानूनी राइट्स आहिनि उहे मिलनि, इन करे हू तरमीमी बिल पेश कंदी रही आहे। त MQM ही त ही कमेटी ठाराई आहे, हुनजो सरबराह बि MQM ई आहे जो असां तालुक रखंदड़ सेनेटर आहे, पर असुल में मसलो इहो आहे त हिन मामले ते 70 खां वठी 71 खां वठी मुसलसिल सिंध जा माण्हू जेके बंगाल खां बंग्लादेश खां हिते बंगाली लॾे आया हुआ बंग्लादेश ठहण खां पोइ उन्हनि खे सिंध में आबाद करण जे हवाले सां एहतजाज कंदा रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ लॻातार सिंध जा जेके सान्यावन दोरियूं आहिनि उन ते एतिराज़ कंदियूं रहियूं आहिनि, पर सिंध हुकूमत इन मामले ते माना इनखे थधो ऐं लाइट वठे थी पई। इन जो नुक़सान थींदो सिंधी आबादियुनि खे। बाक़ी जीअं तव्हां सिंधी ॻोठनि जी ॻाल्हि कई त तव्हां इन ते तव्हांजे साम्हूं हूंदो त MQM इन्हनि सिंधी ॻोठनि खे रेगुलर करण जे अॻियां केतिरियूं रुकावटूं पैदा कयूं, छो त उन्हनि जो मक़सदु इहो आहे त हिते ॿियो भले केरु बि आबाद थिए पर सिंधियुनि ते एतिराज़ हूंदो आहे उन्हनि खे। अगरि सिंध जो अगरि इंटीरियर सिंध जो को माण्हू कराची में अगरि अची आबाद थिए थो डोमिसाइल वठे थो उन ते त MQM खे एतिराज़ रहंदो आहे, पर कॾहिं बि ॿियनि धारियुनि ॿिनि मुख़्तलिफ़ बंगाली हुजनि बिरमी हुजनि जेके बि अफ़गानी हुजनि जेके बि मुल्कनि जा ॿियनि जा माण्हू हुजनि उन्हनि ते त कॾहिं MQM एतिराज़ न वारियो आहे। सिर्फ़ु जेके असां सिंध सूबे में रहंदड़ माण्हू आहियूं उहे अगरि कराची ईंदा आहियूं डोमिसाइल ठाहियूं था त उन ते उन्हनि खे एतिराज़ थिए थो, अगरि नौकिरी कयूं था उते त बि एतिराज़ थिए थो, अगरि पढ़ूं था त बि एतिराज़ थिए थो। त माना कराची यूनिवर्सिटी में त रूरल सिंध जी हिकिड़ी कोटा मुक़ररु कई वई आहे, बाक़ी कंहिं सूबे जे लाइ कोटा मुक़ररु कोन्हे का। त इहो हिकिड़ो वाज़े तौर ते कराची में असांजो कैपिटल जेको आहे उन में फ़र्क़ु आहे, असांखे रोकण जूं मुसलसिल कोशिशूं थींदियूं रहियूं आहिनि, पर सिंधू हुकूमत हिन मामले में माना बिल्कुलु किरदारु जेको आहे सिंधू हुकूमत जो सारा जेको न आहे, सिंधू हुकूमत बिल्कुलु ख़ामोश नज़र अचे थी। भले उहो माना वॾी ॻाल्हि इहा आहे त वफ़ाकी मुलाज़मतनि में जेका कोटा आहे उहा अर्बन सिंध जी कोटा त पूरी आहे, पर 34,000 मुलाज़मतूं सिंध जूं ॿाराड़ी सिंध जूं कोटा खां घटि आहिनि, पर सिंधू हुकूमत ख़ामोश वेठी आहे थी। पर उन मामले ते छो त असां सिंधू हुकूमत जो बार बार ज़िक्र इन करे कयूं था त सिंध जे माण्हुनि मैंडेट सिंध पीपुल्स पार्टी खे ॾिनो आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि जो जेके राइट्स आइनी हक़ आहिनि उन्हनि जो तहफ़ुज़ करण बि पीपुल्स पार्टीअ जो फ़र्ज़ु आहे। कोशिशि कयूं पिया त इन अहम मामले ते ईंदड़ बुलेटिन्स में सिंध हुकूमत जो को नुमाइंदो को सूबाई वज़ीर या सलाहकार जेको आहे उनखां इन हवाले सां मौक़िफ़ जेको आहे उहो वठण जी कोशिशि कयूं ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अवाम ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं। हाज़िर मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खां इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जो सिलसिलो जारी रखूं था। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहिब जी ॻाल्हि ॿोल पिया ॿुधी MB सूमरो इस्लामाबाद मां अपडेट कयो ऐं ईंदड़ बुलेटिन्स में इन हवाले सां हुकुमरान जेका धुर आहे उनखां बि मौक़िफ़ वठण जी कोशिशि कंदासीं। ज़मीर घुमरो साहिबु अवांजी वॾी महिरबानी ऐं MB सूमरो अवांजी बि वॾी